हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंह आइसोटेक प्राइवेट लिमिटेड। आज के टेक्निकल डिस्कशन में हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन इन फैन एंड ब्लोअर्स एज पर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। आइए जानते हैं तो फैन और ब्लोअर्स क्या है। हमें एयर डिलीवरी के लिए अलग अलग वॉल्यूम में अलग अलग तरीके का फैंस की जरूरत पड़ती है। हमें इनफिशियंट से इफिशियंट साइज का फैन अवेलेबल है, हमें किस तरह का चाहिए, किस तरह का रेगुलेशन चाहिए, क्या मेंटेनेंस पैरामीटर है वो इम्पॉर्टेंट होता है ये डिसाइड करने में कि हमें किस तरह का ब्लोअर चाहिए या किस तरह का फैन चाहिए। हर ब्लोअर्स की साइज, कोई फॉरवर्ड कर्व होती है, कोई बैकवर्ड कर्व होती है, तो हर तरह की इम्पेलर्स पे डिपेंड करता है कि यूज पे डिपेंड करता है कि हमें फैन चाहिए कैसा, हमें ब्लोअर चाहिए कैसा, उसका प्रॉपर एक फ्री एयर डिलीवरी कहाँ पे कितनी वॉल्यूम में चाहिए, तो उसका साइज क्या हो, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये डिसाइड करने के लिए कि हमारा जो एनर्जी यूज हो रहा है उसका इफिशियंट यूज हो। ऐसा नहीं कि कम वैल्यू में हम बहुत बड़ा ब्लोअर लगा दिए, चाहिए ही नहीं उतना ज़्यादा एनर्जी ले रहा है। तो इफिशियंट साइजिंग इज इम्पॉर्टेंट है, उसके इफिशियंट इंस्टॉलेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है एनर्जी ऑडिट के लिए। तो हम जब भी देखते हैं कि जब भी हमारा ब्लोअर्स होता है उसमें फिल्टर्स लगे होते हैं, हालांकि फिर भी उसमें जो डस्ट पार्टिकल आकर बैठ जाती है और तब जाकर उसका वो हमारा जो है वो इनफिशियंट बन जाता है। तो एयर कंप्रेसर हमारा इनफिशियंट ना बने उसके लिए उसका फिल्टर, उसकी जो सिस्टम है उसमें जो जो भी कंपोनेंट्स लगी है उसमें ज़्यादा डस्ट पार्टिकल ना हो, उसकी लुब्रिकेशन सही से हो रखी हो, तब जाकर के इफिशियंट वे में वो चलता है कम एनर्जी पे, जो भी उसको एनर्जी डिस्चार्ज करना है, जो भी एयर डिस्चार्ज करना है वो फिर करता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा हो तो फिर वो फिर एनर्जी इनफिशियंट हो जाती है और हमें कॉस्ट ऑप्टिमाइज और कॉस्ट में ऑपरेट नहीं करती है, तो वो सिस्टम परफॉर्मेंस फिर देगी आपको सही तरीके से। इससे बहुत सारे पैरामीटर्स भी हालांकि डिपेंड करती है, वो ऑडिट करने के बाद पता चलता है कि अब ब्लोअर या फैन कितना इनफिशियंट है, तो इसकी प्रॉपर ऑडिट होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कॉमन बियरिंग प्रॉब्लम इंक्लूड नॉइज अगर ज़्यादा हो रही हो तो फिर आपका वर्किंग इन्वायरमेंट को ही वो खराब कर देता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एयर फिल्टर्स कैसा है, लुब्रिकेशन कैसा है, डस्ट कहाँ ज़्यादा है या नहीं है, क्या है, एयर क्वालिटी कैसा आ रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में आपका सही से हवा आ रही है या नहीं आ रही है, कितने वॉल्यूम में आ रही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिकमेंडेशन एज पर ECBC क्या है कि हमारा एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो है वो रिकमेंड भी करती है कि किस तरह से आपका अपने ब्लोअर्स को मेंटेनेंस किस तरह से कर सकते हैं और किन पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए आपको ब्लोअर्स या फैंस लगानी चाहिए। तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में लिखा है इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ सेक्शन एयर टू फैन और ब्लोअर इज क्लीन अप टू ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। मैंने पहले ही बोला था कि डस्ट पार्टिकल इज बहुत ही इंपॉर्टेंट और पैरामीटर है एयर डिलीवरी के लिए। रिप्लेस ओवर साइज फैन है तो उसको हमेशा रिप्लेस ही ऑप्शन चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसी को ऑपरेट करेंगे तो आपको चाहिए नहीं उतना, आप ले रहे हैं और एनर्जी आप बर्बाद कर रहे हैं, तो वो पैसा ही इनफैक्ट एक मीन्स पैसा ही का डिस्ट्रॉय है वो। मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन में हमें यह देखना चाहिए कि इंस्पेक्ट द बॉयलर एंड फैन फॉर वाइब्रेशन, नॉइज ज़्यादा नहीं हो, वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं हो, वो ये सब क्रिएट करती है एक्स्ट्रा एनर्जी कॉस्ट में। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक क्लीन फिल्टर है और एक डर्टी फिल्टर है। तो क्लीन और डर्टी फिल्टर में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा फ्री डिलीवरी हो और किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो रहा। तो इफिशियंसी कर्व में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो डिफरेंशियल प्रेशर है वो ज़्यादा क्रिएट ना हो और हम एक सही प्रेशर में रहते हुए अच्छे से एयर डिलीवरी हो और हमारा सिस्टम रिलायबल हो। तो फैन कैटेगरी में हम देख रहे हैं एयर फॉयल जो है, एयर फॉयल बैकग्राउंड जो मीन्स दो बहुत सारे का ब्लोअर्स होती है, तो मॉडिफाइड रेडियल होता है, रेडियल होता है, फॉरवर्ड कर्व होता है, बैकवर्ड कर्व होता है, तो अलग अलग तरीके का अलग। यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरह से एनर्जी इफिशियंसी जो है फैन का परफॉर्मेंस जो है कॉक्ड फिल्टर और न्यू फिल्टर में डिफरेंस कितना ज़्यादा आ जाता है। तो फिल्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर रखता है। अगर आपका फिल्टर बहुत, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे डस्ट ज़्यादा हो रहा है या फिर आपकी इंडस्ट्रीज ऐसे काम करती है जहाँ पे मान लो कोई वुड इंडस्ट्रीज है तो वहाँ पे हमेशा वुड चिप्स उड़ते रहेगी, तो वो वहाँ का जो ब्लोअर होगा उसमें हमेशा डस्ट होगा, तो डस्ट को एक रूटीन वे में क्लीन करना चाहिए ताकि आपका एयर कंप्रेसर जो है, आपका जो ब्लोअर है वो कम एनर्जी लेके मैक्सिमम रिलायबल मैक्सिमम आपका डिस्चार्ज करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो फॉर चेकिंग यू आउट ऑल द ब्लोअर्स एंड फैंस एंड रिकमेंड यू द प्रॉपर साइज एंड ऑपरेशन, यू कैन कनेक्ट टू अस एट सिंह आइसोटेक प्राइवेट लिमिटेड वेयर यू कैन गाइड यू विद प्रॉपर साइज एंड ऑपरेशन। थैंक यू।